क्या राजनीति में हाथ आजमाना चाहती हैं माधुरी दीक्षित? क्या 2019 चुनाव में कमल खिलाएंगी धक धक कर? अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक दलों में बातचीत शुरू हो चुकी है और महाराष्ट्र की पुणे संसदीय सीट भी इन्हीं चर्चाओं के केंद्र में है। बताया जाता है कि यहां से अभिनेत्री माधुरी दीक्षित बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी 2014 की तरह ही 2019 के चुनाव में भी कई सेलिब्रिटीज को टिकट दे सकती है और इसमें धक धक गर्ल का नाम भी शामिल है। खबर है कि बीजेपी अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने को 2019 चुनाव में पुणे सीट से मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र के एक बीजेपी नेता की माने तो माधुरी का नाम पुणे लोकसभा सीट के लिए चुना गया है। बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी 2019 के आम चुनाव में माधुरी को उम्मीदवार बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। हमारा मानना है कि पुणे लोकसभा सीट उनके लिए बेहतर होगी। बकौल बीजेपी नेता, उनका नाम पुणे लोकसभा सीट के लिए चुना गया है, इसके लिए उनके नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। फिलहाल यहां से अनिल शिरोले सांसद है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने माधुरी को लेकर सर्वे भी कराया है, जिसके नतीजे उनके पक्ष में गए हैं। ऐसे में पार्टी यहां नया चेहरा ला सकती है। दरअसल माधुरी के बीजेपी से जुड़ने के कयास तभी से लगाए जा रहे हैं जब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इस साल जून में संपर्क फॉर समर्थन के तहत उनसे उनके घर जाकर मुलाकात की थी। आपको बता दें कि 51 साल की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित तेजाब, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, साजन और देवदास जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि माधुरी बीजेपी में शामिल होने का औपचारिक ऐलान कब तक करती हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।